नमस्कार, यूपीएससी करंट अफेयर्स प्रोग्राम में अभी हम चर्चा कर रहे हैं पराक्रम दिवस के बारे में। पराक्रम दिवस प्रतिवर्ष 23 जनवरी को मनाया जाता है। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया था। उसके बाद से हर साल पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है, जिसे पराक्रम दिवस का नाम दिया गया। वर्ष 2023 में इस मौके पर उत्तर प्रदेश के सभी शहरों में मानव श्रृंखला बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने की योजना है। इस कार्यक्रम में 8वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के छात्र छात्राएं शामिल होंगे। इसके अलावा इसमें पुलिस और प्रशासनिक सेवा से जुड़े अधिकारी भी हिस्सा लेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का संपूर्ण जीवन हर युवा और भारतीय के लिए आदर्श है। उन्होंने आज़ादी की जंग में शामिल होने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा, जिसे उस समय इंडियन कॉन्वेनेंटेड सर्विसेज कहा जाता था, उसे परित्याग दिया था। स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में उन्होंने आज़ाद हिंद सरकार और आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। खुद का आज़ाद हिंद बैंक स्थापित किया, जिसे 10 देशों का समर्थन भी मिला। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में ओजस्वी नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस अवसर पर अंडमान और निकोबार के 21 बड़े अनाम द्वीपों का नाम परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर भी रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर बनने वाले नेताजी को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक के मॉडल का भी अनावरण करेंगे। इससे पहले 2018 में रॉस द्वीप समूह का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया था। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।